बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेल, उसके बाद से क्लास टेंथ चैप्टर टू हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्लास टेंथ का चैप्टर टू होम्योस्टेसिस, तो उसका जो टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की शेप किस तरह की होती है वो हम डिस्कस करते हैं। आउटर शेप जो है इसका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों हम डिस्कस करते हैं। तो पहले है आउटर स्ट्रक्चर। तो किडनी जो है ये बीन शेप होता है, डोबी की शक्ल का होता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह की शेप होती है इसकी, बीन शेप, जिस तरह लोबिया होता है जिसको हम पंजाबी में रवां कहते हैं। तो उसके बीज की तरह इसकी शक्ल होती है और इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो है, यानी हमारी बॉडी का जो इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो है वाइड जो है, खुला जो है, और ये 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस, थिक कितना है, और ये है 4 सेंटीमीटर। और इसका जो वजन है, वेट, वो है नियर अबाउट 120 ग्राम, अबाउट, एग्जैक्ट नहीं है, अबाउट 120 ग्राम। तो जो किडनी है इसकी शेप किस तरह की होती है, जब इसको हम देखते हैं बॉडी के अंदर, ज्यादातर एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर भी इस तरह की शेप होती है, बीन शेप, रमा का जो बीज होता है, लोबिया का जो बीज होता है, उसकी तरह इसकी शक्ल होती है। और इसकी लंबाई कितनी है, नियर वो 10 सेंटीमीटर, और ये मोटा कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसका वाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर, और इसका वजन भी है वो नियर अबाउट तकरीबन 120 ग्राम। इसका वजन कितना होता है, 120 ग्राम। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारा डायफ्राम है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड, यानी हमारे पेट के बैक साइड पे होती है, और वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी है सेंटर में आ रही है, इसके दोनों साइडों पे, ऑपोजिट साइड, एक दाएं और एक बाएं साइड पे होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इसके दाएं और बाएं हमारे काम पेट के नीचे, और हमारी जो लास्ट दो पसलियाँ हैं, 2 ribs हैं, वो इनकी प्रोटेक्शन करती हैं, इसके ऊपर आती हैं हमारी, ये हमारी दो लास्ट पसलियाँ, 2 ribs प्रोटेक्ट द किडनी, हमारी दो लास्ट पसलियाँ जो हैं वो किडनी की प्रोटेक्शन करती हैं। तो इस तरह हमारा जो है राइट साइड वाला किडनी है, ये थोड़ा सा नीचे को होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर को होता है, क्योंकि इस साइड में हमारे लार्ज साइज में जिगर होता है, हमारा लीवर होता है, तो वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा घेर लेते हैं, इसलिए किडनी को थोड़ा सा नीचे को दिया। कौन सा किडनी हमारा नीचे के राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे होता है। किस वजह से होता है कि हमारे दाएं साइड पे हमारे यहाँ लीवर होता है, लार्ज साइज में होता है, लार्ज ग्लैंड इन आवर द बॉडी, तो जिसकी वजह से किडनी को थोड़ा सा नीचे को आना पड़ता है, उसकी जगह थोड़ी सी नीचे को हो जाती है। तो इस तरह किडनी का ये थोड़ा सा इंटरनल इंफॉर्मेशन हमने आपको एक्सटर्नल दी है कि इसकी शेप बीन शेप होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसके डायग्राम बनाते हैं इसका, ये कंकेव शेप है, कंकेव शेप इसकी, ये वाली इसकी शेप है कंकेव साइड, ये एक ही साइड होता है, दाएं साइड और एक बाएं साइड होता है, और सेंटर में इसके वर्टिकल कॉलम होता है, यानी इसका जो फेस है ये कंकेव साइड है, अंदर को ये धंसी हुई जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, कंकेव साइड, कंकेव एरिया ऑफ द किडनी, फेस टू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पे इसका मुंह होता है, और दूसरा देखना किडनी जो है वो इसके इस साइड पर होता है, और इसका मुंह वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। तो इसके ये वाली जो शेप है किडनी की, ये वाली शेप अंदर वाली जो है, ये अंदर कोई दंशी है,
इसको बोलते हैं, ये एक डिप्रेशन है और इसको बोलते हैं हाइलस। क्या बोलते हैं? हाइलस। अंदर को जो झंसा हुआ छोटा सा गड़ा होता है डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं उसको डिप्रेशन बोलते हैं गड़ा। डिप्रेशन होता है और इसको क्या बोलते हैं? हाइलस। क्या बोलते हैं इसको? हाइलस। यहां से किडनी के अंदर, ये वो एरिया हाइलस के द्वारा वो एरिया जहां से किडनी के अंदर क्या यूरिटर जो है वो किडनी के अंदर से बाहर की तरफ आता है। यूरिटर जो किडनी से यहां से पहले हम इसको वेन्स बनाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर दाखिल हो रही है। कौन सी ब्लड वेसल दाखिल हो रही है? रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इसको क्या बोलते हैं? रीनल वेन। ब्लड खून की नालियां, खून किडनी के अंदर दाखिल है। रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड इंटर हो रहा है और वेन के जरिए ब्लड जो है वो बाहर वापस आ रहा है, किडनी के अंदर से फिल्टर होके वापस आ रहा है। अब ये किडनी के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा डिप्रेशन वाला हिस्सा जो अंदर को धंसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कंकेव साइड। तो डिप्रेशन जो है छोटा सा एक गड़ा होता है, इसको सेंटर में होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलस। क्या बोलते हैं? हाइलस। यहाँ से रीनल आर्टरीज और रीनल वेन किडनी के अंदर दाखिल हो रही है और बाहर निकल रही है, यानी रीनल आर्टरी ब्लड अंदर लेके जा रही है, रीनल वेन ब्लड को किडनी से बाहर लेकर आ रही है। और यहाँ से अदर ब्लड स्ट्रक्चर जो है वो भी रीनल पेल्विस जो है यानी यूरिटर जो है वो किडनी से बाहर की तरफ उसकी डायग्राम बनाते हैं। यूरिटर जो है किडनी को लीव फ्रॉम द किडनी और लिम्फेटिक वेसल्स वो भी किडनी के अंदर दाखिल हो रही होती हैं। तो लंबाई करो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म सेक्शन में जब किडनी को लंबाई करो जब हम इसका सेक्शन काटते हैं, इसकी डायसेक्शन करते हैं, लंबाई करो जब हम इसको काटते हैं डायसेक्शन इसकी करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में तो इसके दो रीजन होते हैं, टू रीजन। द आउटर रीजन इस ये वाला, इसका ये आउटर रीजन होता है। कौन सा है? ये आउटर रीजन। कौन सा है? आउटर रीजन। और इसका कलर कौन सा होता है? डार्क रेड कलर में होता है। ये कौन सा कलर होता है इसका? डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर इसका आउटर रीजन जो है, इसका बाहर वाला रीजन जो है इसको क्या बोलते हैं? डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर में होता है इसका आउटर रीजन जो है वो डार्क रेड कलर में होता है। और इसका नाम क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है इसका? रीनल कॉर्टेक्स। आउटर रीजन जो है, आउटर रीजन किडनी का सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है जब इसके सेक्शन करते हैं तो बाहर वाला रीजन क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। इसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर में यानी गहरे सुरख रंग में होता है। डार्क रेड कलर में गहरे सुरख रंग में होता है। और इसका ये अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इसको क्या बोलते हैं? रीनल ये रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल मेडुला, रीनल मेडुला इसका नाम। क्या नाम है? अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है। बाहर वाले पोर्शन को, बाहर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। इनर स्ट्रक्चर, इनर पार्ट, इनर पार्ट। और इसका कलर किस होता है? पेल रेड कलर में होता है, पेल रेड कलर, पेल रेड कलर में होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेल रेड कलर में, यानी ये थोड़ा सा हल्का रंग होता है, यानी ये डार्क रेड कलर में होता है और ये पेल रेड कलर में होता है। अंदर वाला शरीर थोड़ा, जब हम इसको अंदर से इसका सेक्शन करते हैं, अंदर से इसका
डिसेक्शन करते हैं तो बाहर वाला हिस्सा जो 11 सुरखरंग का नजर आता है और अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाला इतना सारा पोर्शन ये थोड़ा सा हमें पेयर ऐड करने थोड़ा सा हल्के सुरखरंग में नजर आता है। इसका नाम क्या है? रीना मेडुला। बाहर वाले पोर्शन का नाम क्या है? रीना कॉर्टेक्स। और अंदर वाले हिस्से का नाम क्या है? रीना मेडुला। इसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर में। और इसका रीना मेडुला का कलर कैसा होता है? पेयर रेड कलर में। ये रीना मेडुला के अंदर सेवरल टाइप की कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इसके अंदर सेवरल कौन सी स्ट्रक्चर होती है? सेवरल कौन सी होते हैं बनाते हैं? सेवरल कौन सी स्ट्रक्चर होते हैं? कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं रीनल पैराडाइज। सेवरल होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये सेवरल कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? कौन से स्ट्रक्चर है ये? सेवरल कौन शेप स्ट्रक्चर। सेवरल कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रीनल पैरामिड्स। क्या बोलते हैं? रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स क्या बोलते हैं? रीनल पैरामिड्स यानी ये ट्रायंगल शेप में होती है। इसके अंदर इसको बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेवरल कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रीनल पैरामिड्स। इसके अंदर ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे डिवाइड होके ब्लड इसके अंदर सप्लाई कर रही होती है। इसके अंदर से ब्रांचेस निकल निकल के इसके अंदर से ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इसके अंदर से ब्लड जा रहा होता है और इसके अंदर से ब्लड फिल्टर होके ठीक है ब्लड फिल्टर होके किसके अंदर आ रहा होता है? रीनल वेंस के अंदर जा रहा होता है। रीनल वेंस के अंदर और यहाँ से ब्लड जो है जिसम से किडनी से बाहर निकल जाता है और ये रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड जो है इसमें दाखिल हो रहा है रीनल पैरामिड्स के अंदर। रीनल आर्टरी के जरिए अंदर रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है, आर्टरियोल्स बन जाती है। आर्टरियोल्स बन के फिर हर पैरामिड्स के अंदर एक रीनल आर्टरियोल्स जो है वो हर रीनल पैरामिड्स के अंदर जा रही थी। और रीनल पैरामिड्स क्या काम करते हैं? ब्लड को फिल्टर करके दोबारा उसके अंदर जितना भी वेस्ट है वो निकाल देती है और दोबारा ब्लड को फिर वापस रीनल वेंस के जरिए किधर जा रहा होता है? बॉडी की तरफ जा रहा होता है। तो इस तरह इसके अंदर से अब ये रीनल पैरामिड्स हैं ये सारी की सारी के हैं आगे प्रोजेक्शंस करती हैं। इसके अंदर प्रोजेक्शन करती हैं एक कोन शेप सॉरी फनल शेप स्ट्रक्चर्स। ये जितनी भी हैं रीनल पैरामिड्स हैं ये रीनल पैरामिड्स हैं इसके अंदर प्रोजेक्शन करती हैं प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पैलेस इसको क्या बोलते हैं? ये वाला पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं? रीनल पैलेस। ये फनल शेप है। फनल देखी होगी आपने मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाते हुए कीव सी होती ऊपर डालते ऊपर से उसको मुंह चौड़ा होता है नीचे से टर्न होते तो ये भी आगे से ये क्या है आगे से खुला हुआ चौड़ा मुंह है और नीचे से ऐसे ऐसे तंग होती जाती है। तो ये सारे के सारे में प्रोजेक्शंस करती हैं इसके अंदर से जितना यूरिन बनाती हैं इसके अंदर से तो यहाँ डक्ट के जरिए पाइप के जरिए इसके अंदर अपना वेस्ट मटीरियल है इसके अंदर फनल शेप के अंदर भी है जिसको क्या बोलते हैं? रीनल पैल्विस। इसके अंदर आके स्टोर होते हैं इसके अंदर आके जमा होकर आगे फिर यूरिटर यह आगे क्या यूरिटर
यूरेटर, यानी ये यूरेटर की बेस है, यहाँ से यूरेटर शुरू हो जाएगा। यूरेटर के ऊपर वाली मुंह जो है, ऊपर वाला मुंह जो होता है वो थोड़ा सा खुला होता है, फनल शेप होता है, की शेप में, तो ये चाहते हैं उसके अंदर से जितना भी यूरिन है, पानी है, वो सारा इसके अंदर आसानी से इसके अंदर इंटरनल से हो रहा है। इसे फिर ये यूरेटर आगे किसकी तरफ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटीरियल किडनी ब्लड से साफ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो यूरेटर के जरिए होता हुआ किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर आगे यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर खा हो जाता है। तो इस तरह किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो इसका शेप कैसी होती है, दोबारा इसको बी शेप में होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ये एमसीक्यूज के बारे में छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। तो इसकी वाइड कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, और इसका वेट नियर अबाउट 120 ग्राम, एग्जैक्ट नहीं होता, नियर अबाउट 120 ग्राम, और ये हमारे वर्टिकल कॉलम जो है उसके दाएं और बाएं साइड में होते हैं, और हमारे पेट के बैक साइड पे, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड पे, और हमारी जो लास्ट दो पसलियाँ हैं, लास्ट टू रिब्स प्रोटेक्ट द किडनी, हमारी जो लास्ट दो पसलियाँ हैं, आखिर वाली दो पसलियाँ, वो किडनी की प्रोटेक्शन कहती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, स्ट्रक्चर तो किडनी जो है एक साइड से अंदर को कंकेव शेप में होते हैं, कौन सी शेप में, कंकेव शेप, कौन सी, कंकेव, ये कंकेव शेप वाला एरिया जो है ये किसकी तरफ होता है, वर्टिकल कॉलम की तरफ होता है, और इधर वाला दूसरा किडनी उसकी कंकेव जो साइड है वो भी वर्टिकल कॉलम की तरफ होती है। तो ये वाला जो वाला कंकेव शेप, कन्वेक्स और कंकेव, ये इसकी कन्वेक्स साइड है और ये इसकी कंकेव साइड है, तो इसके बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलस, क्या बोलते हैं इसको, हाइलस, इसी हाइलस से ही ब्लड वेसल इंटर दाखिल हो रही है, किडनी के अंदर निकल भी रही हैं, और लिम्फेटिक वेसल भी दाखिल हो रही हैं, नर्व्स भी दाखिल हो रही हैं, और यूरेटर भी यहीं से ही बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ से हाइलस वाली जगह के अंदर से ही सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है किडनी का, उसके अंदर से मटीरियल दाखिल भी हो रहा है और निकल भी रहा है, किसी और से अंदर से नहीं, सिर्फ हाइलस वाली जगह से अंदर से ही किडनी के अंदर ब्लड वेसल भी दाखिल हो रही है, निकल भी रही है, यूरेटर भी वहीं से निकल रहे हैं, और लिम्फेटिक वेसल भी दाखिल हो रही है, और नर्व सेल्स भी इसी के अंदर दाखिल हो रही है। तो किडनी को जब हम लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में इसकी डिसेक्शन करते हैं, इसको काटते हैं लंबाई पर, जब इसको हम काटते हैं तो इसके दो रीजन होते हैं, इसके कितने रीजन है, 2 रीजन, आउटर रीजन, कौन सा रीजन है, आउटर रीजन, इसका नाम क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, आउटर रीजन इसका रीनल कॉर्टेक्स, और इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर होता है, यानी गहरा सुरख रंग होता है, और दूसरा रीजन कौन सा है, इनर पार्ट्स, इनर पार्ट्स, दूसरा रीजन कौन सा है, इनर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, अरीना मेडोला, क्या बोलते हैं इसको, अरीना मेडोला, इसका कलर कौन सा होता है, पेल रेड इन कलर में होता है, कौन सी कलर में, पेल रेड, यानी थोड़ा सा हल्का कलर होता है, गहरा गहरा वाला गहरा होता है, अंदर वाला थोड़ा सा, अंदर वाला भी बहुत थोड़ा सा हल्का कलर होता है, यानी गहरा सुरख रंग नहीं होता। इस रीनल मेडोला के अंदर सेवरल कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, सेवरल कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीनल पैरामिड्स, क्या बोलते हैं उसको, रीनल पैरामिड्स, यानी ये ट्राइंगुलर शेप में होती हैं, यानी ये सारी की सारी हैं रीनल पैरामिड्स, ये हमने जो बनाई, ये कौन से शेप में होती हैं, ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, पैरामिड शेप में होती हैं, इसलिए तो इसका नाम रखा है रीनल पैरामिड्स। तो रीनल पैरामिड्स ये ही ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो आर्टरी के जरिए ब्लड दाखिल होता है, उसको साफ करती है, उसको साफ करके फिर वेन के जरिए ब्लड बाहर दाखिल हो जाते हैं, और जितना भी इसके अंदर से वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, अदर साल्ट जो ब्लड के अंदर होती है किडनी, उसको साफ करके किसके जरिए, ये फनल शेप स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी ये है क्या नाम है इसका, रीनल पिरामिड, ये सारी की सारी किसमें प्रोजेक्ट है, फनल शेप कैविटी, एक फनल शेप कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट करती हैं अपना मटेरियल जो है इसके अंदर डाल देती हैं। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रीनल पैल्वस, क्या बोलते हैं, रीनल पैल्वस, इसके अंदर सारा यूरिन बन के इसके अंदर रीनल पैल्वस के अंदर आ जाता है, और रीनल पैल्वस के जरिए होता हुआ आगे इसमें यूरेटर, यूरेटर ये रीनल पैल्वस के बेस है किसकी, यूरेटर की, तो फिर यूरेटर
आगे यूरिन को किस में डाल देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ये टेम्परेरी स्टोर एरिया, मस्कुलर ऑर्गन है, टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को, और फिर जिसम से बॉडी से बाहर उसको रिलीज कर देते हैं यूरिथ्रा के थ्रू। तो इस आगे टॉपिक्स के अंदर, आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।